हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुलशन एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं असमानता। इस तरीके के सवाल आपको जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैंकिंग का तो बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, लेकिन अब SSC वगैरह में, DSSB में और क्या कहते हैं अदर स्टेट्स में भी जो है जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह का सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो किस तरीके से कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अब आप सब जानते हैं, जैसे अगर मैं यहां ए और बी लिख रहा हूं, तो अगर मैं इस तरीके का साइन बना रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, यानी कि ए से बी जो है बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको बड़ा और छोटा याद नहीं रखना है। यहां पर याद जो आपको रखना है वो ये रखना है कि इस तरीके से अगर कोई भी साइन बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ये ओपन गेट है और यहाँ से ये जो गेट है वो क्लोज गेट माना जाएगा। यानी कि अगर ऐसा साइन बना हुआ है तो यहाँ से ये ओपन गेट माना जाएगा और इधर से ये क्लोज गेट माना जाएगा। यानी अगर यहाँ से कोई आना चाहता है तो यहाँ से आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से कोई जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ये ओपन गेट और क्लोज गेट जो है आपको याद रखना है। चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हमसे स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ दो कंक्लूजन दे रखे हैं, यहाँ पर चार कंक्लूजन भी दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है आपका। जैसे कि अगर हाई लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें चार कंक्लूजन दिए जाते हैं और जो है स्टेटमेंट और बड़ी दी जाती है। ठीक है, और अगर लो लेवल का थोड़ा एग्जाम होता है तो स्टेटमेंट बस छोटी सी दी जाती है और उसके बाद दो कंक्लूजन दिए जाते हैं इसमें। जैसे कि अब माने यहाँ पर जो है हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या एक लाइन में दी गई है या फिर इसके जो है पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, तो हमसे कंक्लूजन एक क्या कह रहा है कि L और M, मतलब क्या कंक्लूजन वन जो है वो सही है। तो अगर आप देखेंगे कि M से जो देखेंगे आप, M से जो गेट है वो ओपन है और L, यानी कि हमें ये देखना है कि क्या हम M से L की तरफ जा सकते हैं, M से L की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं M की तरफ जाता हूँ, ये देखिए यहाँ से अब M इधर भी है और M इधर भी है। ठीक है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट का यूज़ मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इधर से अगर M आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके आगे का जो साइन है वो क्लोज है। तो इधर वाले में आप अगर देखेंगे तो यहाँ वाला जो M है वहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वहाँ से M आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ डोर जो है वो ओपन है। यानी M K की तरफ चला गया। अब K जो है वो L की तरफ जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर K से L जो है वो पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ओपन गेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन वन है वो सही है। कैसे सही है? क्योंकि M जो है K तक जा सकता है और K जो है वो L तक जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट वन जो है वो तो सही हो गई। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं कि क्या J K की तरफ जा सकता है। ठीक है ना, क्या J जो है वो K की तरफ जा सकता है? तो एक बार मैं मिटा देता हूँ ताकि और क्लियर समझ आए आपको। ठीक है, कि क्या K जो है वो J की तरफ जा सकता है? तो आप देखेंगे कि J यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, J से मैं M की तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। ठीक है, M से मैं K की तरफ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। ठीक है, M से मैं K की तरफ जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे J से यहाँ पर ओपन डोर है, तो मैं M तक पहुँच गया और M के रास्ते में K की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। यानी J से मैं K की तरफ जा सकता हूँ। तो स्टेटमेंट मतलब जो कंक्लूजन जो है हमारे दो के दो, ये दोनों ही सही हो जाते हैं। तो सही जो आंसर इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, ई हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो सवाल और देख लेते हैं ताकि और आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें जो है स्टेटमेंट तीन भागों में बांटी गई है। ठीक है, स्टेटमेंट हमें तीन भागों में यहाँ पर बांटी गई है। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि J से R की तरफ जाना है, यानी J से R की तरफ जाना है। तो देखिए, J से T की तरफ जा सकता हूँ मैं। क्यों जा सकता हूँ? क्योंकि अगर इक्वल का निशान है, तो इक्वल का निशान है, इसका मतलब ये है कि J T की तरफ भी जा सकता है और T J की तरफ भी जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप ये याद रखना। तो J से मैं T की तरफ गया और T से जो है मैं W की तरफ गया और W से मैं R की तरफ गया, यानी कि मैं J से R तक जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डोर जो है वो हर तरफ से खुले हुए हैं। ठीक है, तो ए कंक्लूजन जो है हमारा सही हो गया। कंक्लूजन दूसरा अगर हम देखें तो उसमें क्या बोल रहा है कि टी से आर की तरफ जाना है।
टी से आर की तरफ हमें जाना है। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको ऑप्शन इस तरीके का दिया जाए, यानी कि इक्वल का भी निशान दिया जाए और जो है इस तरीके का डोर भी आपके सामने हो, तो आपको ये देखना है कि आप जिस भी रास्ते से जाएंगे, यानी कि अगर आप टी से आर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे टी से डब्ल्यू की ओर जा सकते हैं, डब्ल्यू से आर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि टी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर ओपन डोर तो है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का निशान भी दिया हुआ है, यानी कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो डोर होना चाहिए उसके नीचे जो है इक्वल का निशान भी होना चाहिए। यानी टी से आप डब्ल्यू की तरफ तो चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल का निशान था? नहीं था, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी यहाँ पर हमें जो है इक्वल का निशान होना चाहिए था टी से डब्ल्यू की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो, और डब्ल्यू से हम आर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ इक्वल का निशान ऑलरेडी बना हुआ है, यानी यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये कंक्लूजन जो हमारा गलत हो गया। तो पहला ही इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि अगर कंक्लूजन में दो साइन दे रखे हैं तो आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर जो डोर होगा उसमें दो साइन होने चाहिए, एक इक्वल का और एक इस तरीके का, ठीक है ना, ग्रेटर देन और लेस देन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये स्टेटमेंट जो है ये भी तीन भागों में बटी हुई है। अब हम F से P की तरफ जा सकते हैं, तो देखें F से मैं D की तरफ आ सकता हूँ, ठीक है, D से मैं V की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन V से मैं P की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन जो है वो तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि V से देखेंगे आप यहाँ पर कि डोर जो है वो क्लोज हो गया है। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर इस तरीके से है तो यहाँ से आप नहीं जा सकते, ये क्लोज डोर माना जाएगा, और इस तरफ से है तो ये ओपन डोर माना जाता है। तो उस तरीके से ये जो है ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखेंगे अगर आप, तो F से V की तरफ जाना है मुझे, तो F से V की तरफ जाना है, तो F से मैं D तक आया, ठीक है, D से मैं V तक आ गया, ठीक है ना, D से मैं V तक आ गया, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कंक्लूजन दूसरा जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। अब ये देखिए स्टेटमेंट इसमें जो है वो सीरीज वाइज दे रखी है, यानी कि इसमें पार्ट्स नहीं बनाए गए हैं स्टेटमेंट के, ठीक है ना, तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। देखें अब कंक्लूजन भी इसमें चार दे रखे हैं, तो चेक करना है कि करके क्या हम ई से टी की तरफ जा सकते हैं, तो ई से टी की तरफ हमें जाना है, तो ई से मैं डी तक जा सकता हूँ और डी से मैं टी तक जा सकता हूँ, यानी पहला तो सही हो गया, ठीक है, पहला कंक्लूजन सही है क्योंकि डोर जो है ओपन है, आप देख सकते हैं ई से अगर मैं टी की तरफ जाना चाहता हूं तो ये डोर ओपन है। क्या मैं के से जे की तरफ जा सकता हूं? तो के से मैं जे की तरफ नहीं जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि के तो आगे बढ़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर जो डोर दे रखा है वो बंद दे रखा है, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यानी दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, टी से मुझे ओ की तरफ जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? टी से मैं डी तक गया और डी से फिर यहाँ पे गेट क्लोज हो गया, यानी ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया, दो तो हमारे गलत हो गए। तीसरा, एम से मैं ई की तरफ जा सकता हूँ, तो एम से मैं ओ तक गया, ओ से के तक गया, ठीक है ना, अब के बाद जो है मैं नहीं आगे बढ़ सकता, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया इसका? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, अच्छा एक मिनट, इसमें जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर वन ओनली तो दिया ही नहीं है, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ सवाल को, मैं ई से टी की तरफ मिटा देता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ई से टी की तरफ जाया जा सकता है, तो ई से टी की तरफ, अच्छा एक मिनट, ये जो ऑप्शन है वो इस सवाल में होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसमें सीधा आंसर आपको बताना है, तो आंसर वन ही है इसका, ए ही इसका आंसर है, ठीक है ना, अब ये तीन जो है ये आपके गलत है, ठीक है ना, ये इसमें ये ऑप्शंस नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो मैंने देखा, तो ये था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करें और बताएं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से जो है मैंने लगभग हर टाइप के सवाल जो है सॉल्व किए हैं इक्वालिटी से रिलेटेड। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।